श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व को श्रद्धा पूर्वक धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री ने बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर श्रीनाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में जन्माष्टमी की परंपरागत पूजा की और मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का प्रतीकात्मक जन्म कराया। फिर विधि विधान से पूजा अर्चना कर आरती की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाल कृष्ण को झूला झुलाया। इस बीच सोहर की गूंज से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। कोरोना को देखते हुए मंदिर में बहुत ही कम लोग शामिल हुए। इस दौरान पूजा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को रात्रि 11:30 बजे अपने आवास से निकले और सीधे श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे। भजनों की स्वर लहरी गूंज रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे गर्भगृह में गए। उन्होंने पहुंचने के बाद गर्भगृह का कपाट बंद हो गया, जहां पहले से तैयार मंदिर के मुख्य पुरोहित रामानुज त्रिपाठी वैदिक ने अपने वेद पाठी सहयोगियों के साथ पूजा अर्चना शुरू करी। यह सिलसिला तब तक चला जब तक कन्हैया के जन्म का समय नहीं हो गया। आधी रात यानी ठीक 12 बजे पूरे विधि विधान से गोरक्ष पीठाधीश्वर ने कन्हैया का जन्म कराया। जन्म के बाद गर्भगृह का कपाट खुला और पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ अपनी गोद में बाल कन्हैया को लेकर निकले। फिर तो पूरा परिसर जय कन्हैया लाल की जयकारे से गूंज उठा। उधर जन्म के बाद से लोक गायक से के सोहर गायन से माहौल पूरी तरह से मांगलिक हो उठा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी।